आगे आगे आगे, अरे इधर इधर इधर। ए, तुम लोगों को ये वर्दी कहाँ से मिली? थाने के बाहर फेंकी हुई थी। गांव में वर्दी पहनना मना है। किसने मना किया? चौधरी साहब ने। ये चौधरी साहब कौन है? चौधरी साहब गांव के मालिक है। ले पत्ता चल। हाँ हाँ। अरे यार मजा नहीं आया। हाँ ये ले पत्ता चल। अरे वाह क्या काट फेंका है तुमने, वाह। चल चल चला। क्या पत्ता फेंका आए, क्या बात है। कौन हो भाई, इधर कैसे आए, क्या काम है? यही कहीं पुलिस स्टेशन था ना? जानी पुलिस थाना और यहाँ नहीं नहीं। लो सुनो, कहते हैं यहाँ पुलिस थाना था। तुम लोग कौन हो? अरे हमारी तहकीकात करने वाले, तुम कौन हो भाई? मैं इस थाने का पुलिस इंस्पेक्टर क्रांति कुमार हूँ। माफ करना साहब। यस सर। थाने की ये क्या हालत बना रखी है? हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है साहब। तुम लोगों के कसूर के बारे में तो बाद में सोचूंगा, पहले इस जगह को थाना बनाओ जल्दी। ठीक है साहब, अगर आपका हुक्म है तो कुछ दिनों के लिए इसको थाना बना देते हैं, मगर बाद में तो वही हाल होगा साहब जो अभी आपके सामने है। अभी से यह जगह पुलिस थाना है, जहां से कानून की सत्ता कायम की जाएगी और तुम लोग अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभाओगे। यस सर। मेरे रहने की जगह बताओ। आई सर, आई सर, आई सर, आई प्लीज, आई प्लीज। जगह तो है मगर वहां सामान नहीं है। जानी पहले तुम वो मोबाइल सुपरमार्केट वाली छोकरी को ढूंढ के लाओ, सामान भी मिल जाएगा। नहीं देख उधर, वो रही चलता फिरता सुपरमार्केट वाली छोकरी। नैना थाने पर नए दरवाजे आए हैं। तो क्या, ना तो वो कुछ सामान लाए हैं और ना ही हमारे पास कुछ है, बिस्तर से लेकर राशन तक चाहिए। यानी धंधा होने का चांस है, अभी दरोगा जी से मिलती हूँ। चलो चलो जानी। मैं इस गांव का चलता फिरता सुपरमार्केट हूँ, इस मार्केट की मालकिन नैना मेरा नाम। अच्छा नैना, तुम इतना सब कुछ बेचती हो, अपने लिए कुछ कपड़े क्यों नहीं खरीद लेती? इन कपड़ों में क्या हर्ज है, अच्छे तो हैं। हाँ अच्छे हैं लेकिन कुछ कम हैं। कम हैं मगर अच्छे तो हैं। हर पेशे का अपना अपना ड्रेस होता है, इस ड्रेस में तो माल ज्यादा बिकता है। एक घाघरा चोली निकालो। किसके लिए? एक लड़की के लिए। लड़की की उम्र और ऊंचाई? समझ लो उम्र भी तुम्हारी और ऊंचाई भी तुम्हारी। अच्छा ये है और ये भी है, बोलिए आपको कौन सा पसंद है? अगर इनमें से तुम्हें कोई पसंद करना हो तो तुम कौन सा पसंद करो? मैं ये पसंद करूंगी। कितने दाम? देखो साहब, मैं वर्दी वालों से ज्यादा मोल तोल तो नहीं करती, इसका दाम 225 बोलती हूँ। 200 पर मोल तय होगा, मगर बाद में 175 में मान जाऊंगी। काट ही सही। बस बस ये लो, 25 रुपए वापस करना। लीजिए। अब इसे लेकर अंदर जाओ और पहन लो, आज के बाद अगर इन कपड़ों में देखा तो तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। हाय राम, थाने में तो कपड़े उतारे जाते हैं तलाशी के लिए, आप तो पहले अफसर हैं जो कपड़े पहना रहे हैं। चुप, जाकर कपड़े पहन लो। साहब मैं तो आपसे सौदा करके अपने फायदे का हिसाब लगा रही थी, आपने तो ये कपड़े मुझे देकर कर्ज में डाल दिया। बस बहुत हो गया, अब इस 25 रुपए का एक तेल और एक साबुन दे दो। ये लो साहब,